तो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसी रेसिपी जो हो सकती है आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन जब आपके पास घर में आपकी कोई सब्जियां ना हो। हम बनाएंगे आज मुंगौड़ी। मूंग से बनती है मुंगौड़ी की सब्जी और बहुत ही प्रोटीन रिच फूड है, प्रोटीन से भरपूर है। तो चलिए इसे देखते हैं और इसे बनाते हैं। तो मुंगौड़ी की सब्जी बनाने के लिए आपको देखो थोड़ी मुंगौड़ी चाहिए होंगी ऑफकोर्स। तो मैंने ले ली है कुछ 8-10 मुंगौड़ियां, ठीक है। इनको मैंने थोड़ा सा वॉश भी कर लिया है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, पैन रख रहे हैं और इस पर हम लोग गैस को ऑन कर लेते हैं और अब डाल रहे हैं इसमें हम देखो 2 से 3 चम्मच ये घी ले रहा हूं मैं। आप तेल भी यूज कर सकते हैं लेकिन घी लेकिन तो बेहतर है, आपको गुड फैट मिलेगा घी से जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन है, राइट। तो जैसे ही घी गर्म हो इसमें हमको डालना है ये मंगौड़ियां और इनको हमने करना है फ्राई थोड़ी देर, राइट, कम से कम 4 से 5 मिनट बहुत हल्की आंच में, ताकि ये जले भी ना और थोड़ी सी कुरकुरी हो जाए, राइट। तो बस 2 से 3 मिनट मैंने इन्हें भुना है बहुत ही हल्की आंच में और ये देखो अच्छे से ये भुन गई है, ठीक है। तो इनको मैं अब निकाल लेता हूँ और नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, थोड़ा सा घी और लेना है हमको तड़के के लिए, ठीक है। 2 छोटी चम्मच मैंने घी ले लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच जीरा और ये छोटा कटा हुआ प्याज, ठीक है। प्याज छोटा काट के डाल लो, 2 प्याज मैंने काट लिए हैं छोटे और हम प्याज को भून लेंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए ताकि थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। और जब तक हमारा प्याज भून रहा है हमें क्या करना है, ये 2 टमाटर लेने हैं और थोड़ी सी मिर्च लेनी है और थोड़ा सा लेना है एक टुकड़ा अदरक का, इसे हमको पीसना है, ठीक है। तो इसे हम लोग पीस लेते हैं। तो ये हमने अच्छे से पीस लिया है, ये देखो, ठीक है। अब देख लेते हैं प्याज। तो ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन होने लगा है, राइट, तो ब्राउन हो ही चुका है ऑलमोस्ट। तो अब क्या करना है, इसमें हमको डालना है वो टमाटो प्यूरी जो हमने बना के रखी है, तो उसे डाल लेते हैं। तो ये आप इसमें डाल लीजिए और इसको चला लीजिए, ये देखिए इसको चला लेंगे हम थोड़ा सा। तो बस अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम ऐड करते हैं थोड़े से मसाले, ठीक है। 1 छोटा चम्मच हल्दी डाल रहे हैं, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च और 1 से 1.5 चम्मच मैं डालूंगा इसमें धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार थोड़ा नमक डाल लेते हैं और ये थोड़ा सा टेस्ट के लिए मैं डाल रहा हूँ इसमें किचन किंग मसाला, राइट। तो बस अब इन मसालों को हम लोग भूनते हैं कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच में, ताकि ये मसाले अपना फ्लेवर छोड़ें बेहतरीन, ठीक है। बहुत ही शानदार रेसिपी है ये। अगर आपका यू नो कभी सब्जी खाने आपको मन नहीं करता तो आप क्या कर सकते हैं, मुंगौड़ी की सब्जी बना सकते हैं आराम से। बहुत ईजी टू कुक है और बहुत हेल्दी भी है क्योंकि इसमें मूंग है और मूंग से आपको मिलता है बहुत ही शानदार प्रोटीन, राइट, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्रोटीन रिच फूड है, बनाएं इसे ज़रूर। तो बस ये हम हल्की आंच में मसाला पका लेते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, फिर इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। तो बस 4 से 5 मिनट ज़्यादा मैंने इसे पका लिया मसाले को और देखो ये क्या रिचनेस आई इसमें, बहुत शानदार। ये देखो बहुत ही बढ़िया मसाला ये तैयार हो चुका है इसका, राइट, बहुत बढ़िया तरीके से पक चुका है, खुशबू आ रही बहुत ही शानदार। तो बस अब इसमें मिलाने वाले हैं एक इंग्रेडिएंट जो कि है ऑप्शनल, मैं इसमें थोड़ा आलू मिला रहा हूँ, छोटे छोटे मैंने काट लिए हैं और इसको इसमें मिला लेते हैं, ऑप्शनल है कम्प्लीटली। अगर आपको डालने हैं यूज़ करने हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आलू की इसमें कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है, बिना आलू के भी बन जाती है बहुत ही बढ़िया। साथ में इसमें डालते हैं ये बढ़िया और अब डालते हैं थोड़ा सा पानी, करीब 1 से 2 ग्लास ये देखो, ठीक है, और इसको अच्छे से मिला लो। और बस इसमें आप देखो हम क्या करेंगे, कम से कम 2 से 3 सीटी में ये पक जाएगी, तो इसमें लगाएंगे ढक्कन और इसमें देंगे 2 से 3 सीटियां। तो बस इसमें अब लगाते हैं ढक्कन कुकर प्रेशर का और 3 सीटियां अंदर तक इसको पकाते हैं और फिर देखते हैं क्या इसका स्टेटस है। तो बस 4 सीटी इसमें आ चुकी हैं और मैंने 4 सीटी के बाद इसको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए और रखा था ऐसे ही गैस बंद करके, तो इसे देख लेते हैं। वाह बहुत ही बढ़िया। तो ये देखिए बहुत ही शानदार इसमें एक कलर आ चुका है और ये अच्छे से पक भी चुकी हैं बढ़िया, ये देखिए बहुत ही बढ़िया, नाइस। ये देखो बेहतरीन तरीके से ये सब्जी हमारी पक चुकी है और अब मैं आलू भी दिखाऊं आपको, तो आलू भी अच्छे से देखो ये पक चुके हैं इसमें, सो ऑल गुड। तो बस अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए बहुत ही शानदार सब्जी आपकी रेडी है, मंगौड़ी की, फुल ऑफ प्रोटीन, बहुत ही हेल्दी सब्जी है। प्लीज जरूर ट्राई करें इसे और मुझे बताएं कि आपका एक्सपीरियंस रहा है इस रेसिपी से। एंड टिल वी मीट अगेन प्लीज कीप कुकिंग एंड बी हेल्दी।